आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। तहसील धनोटी के ग्राम मरोड़ा में रात्रि में भारी बारिश के कारण प्रवीण दास के मकान के पीछे की दीवार टूट गई, जिसमें उनके दो बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष एवं 12 वर्ष थी मलबे की चपेट में आ गए, जिस कारण दोनों की मृत्यु हो गई। विधायक धनोटी प्रीतम सिंह पंवार और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदा प्रभावित परिवार से मिलकर हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मौके पर राजकीय अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सत्यो सकलाना में आपदा से हुई जनहानि पर 4-4 लाख की आर्थिक सहायता के चेक परिजनों को वितरित किए गए। टीम यूके लाइव। और जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बारिश रात भर से हुई है, काम शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गधेर में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो धस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे से चीज़ें ना हो, इसके लिए जो समस्त डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गांव के भी और आसपास के गांव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुई हैं, जिसको कि मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सारे स्टेप्स लिए।